26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में ध्वज आरोहण समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन के चीफ गेस्ट और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के आने से पहले कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और चंदू कुंजिर के बीच बहस हो गई। वहीं कुछ देर बाद ध्वजारोहण के वक्त एक नेता ने दूसरे नेता को थप्पड़ भी जड़ दिया और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। समारोह में ही शामिल पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों मंत्रियों को शांत किया और हाथापाई बंद हुई। ये बहुत ही शर्मनाक था कि 26 जनवरी को ही ध्वजारोहण के वक्त तिरंगे का सम्मान ना करते हुए दोनों नेता लड़ पड़े। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम सब देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहर कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद कमलनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आज एक बार फिर 70 वर्ष पहले बने हालातों से गुजर रहा है। सामने आ रही चुनौतियों से हम सबको मिलजुल कर निपटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सब चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। हम सब देश की अखंडता, एकता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। SPN 9 न्यूज़ से लता की रिपोर्ट।